YouTube के नियमों में बदलाव हो रहे हैं। सोशल मीडिया के कानूनों में भी भारत सरकार बहुत गंभीर हो रही है और शायद यही वजह है कि अब हर YouTube क्रिएटर्स जो ईमानदारी से काम करता है उसके लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय का रक्षा कवच भी उसके साथ जुड़ेगा। लेकिन अगर कोई गलत तरीके से कंटेंट बनाता है तो फिर उसके YouTube चैनल पर भी इफेक्ट आ सकता है। YouTube से एक मैसेज आया है और वो सबके लिए है, और वो मैसेज जो लोग सही रूप से कंटेंट बनाते हैं उनके लिए काफी अच्छा है, और जो गलत तरीके से कंटेंट बनाते हैं उनके लिए चेतावनी का है। 5 जनवरी 2022 से हमारी सेवा की शर्तों में बदलाव हो रहे हैं, ये YouTube अपने कंटेंट राइटर को, रीडर को ये लिख रहा है। इनसे आपको ये समझने में आसानी होगी कि हमारी सेवा का इस्तेमाल करते समय क्या उम्मीद की जा सकती है, साथ ही शर्तों को साफ तौर पर समझने में भी मदद मिलेगी। इन बदलावों से आपके YouTube इस्तेमाल करने के तरीके पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बदलावों के बारे में खास जानकारी और अपडेट की हुई शर्तें यहां देखी जा सकती है। इस अपडेट में ये चीजें शामिल है कि हमसे क्या उम्मीद की जा सकती है, इस बारे में बेहतर तरीके से जानिए। हम अपनी सेवा को किस तरह से डेवलप करते हैं, बेहतर बनाते हैं, अपडेट करते हैं, इस बारे में आपको और साफ साफ जानकारी दे रहे हैं। हमारा मकसद है कि आपको पूरी जानकारी देते हुए हर बदलाव और अपडेट की वजह बताई जाए, साथ ही हर अहम बदलाव के बारे में पहले से सूचना दी जाए। शर्तों को आसानी से पढ़ने समझने के लिए सामान्य अपडेट है कि हमारी सेवा की शर्तें, ध्यान से सुनिएगा, हमारी सेवा की शर्तें अब भी एक कानूनी दस्तावेज है। इसके बावजूद हमने पूरी कोशिश की है कि आप इन शर्तों को आसानी से समझ सकें। इसमें खाते का निलंबन और खाता बंद करना जैसे कुछ सेक्शन को फिर से व्यवस्थित करना शामिल है, साथ ही अन्य सेक्शन भी फिर से तैयार किए जा रहे हैं, जैसे कानूनी समझौते को बदलना, कम्युनिटी दिशा निर्देशों के उल्लंघन की शिकायत करने की प्रक्रिया को शामिल करना। YouTube का इस्तेमाल हमेशा हमारे कम्युनिटी दिशा निर्देशों और उनके उल्लंघन की शिकायत करने की प्रक्रिया पर निर्भर रहा है। अब हम हर चीज के बारे में साफ तौर पर जानकारी देने के लिए इन शर्तों में कम्युनिटी दिशा निर्देशों के उल्लंघन की शिकायत की जानकारी को भी शामिल करने जा रहे हैं। कम्युनिटी दिशा निर्देशों के उल्लंघन की शिकायत कैसे की जाती है या किसी कॉन्टैक्ट के खिलाफ चैनल की शिकायत कब मिलेगी, इन दोनों प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। अब देखिए मुख्य बात, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के नियम 5 में बताई गई जरूरी शर्तों के मुताबिक गूगल को आपको ये बताना होगा कि अगर आप समाचार एप्लीकेशन या हाल फिलहाल की घटनाओं से जुड़े कॉन्टेक्ट के प्रकाशक हैं तो आपको YouTube पर अपने खाते की जानकारी भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय को देनी होगी। यानी YouTube पर आपको अपने खाते की जानकारी भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय को देनी होगी। ये अपडेट है YouTube का, और ये मैं समझता हूं कि ये अपडेट बहुत अच्छा है। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय से अगर आपकी जानकारी, आपका अपना परिचय, आपके प्रकाशक, आपका आईडी, ये सब अगर वहां पर रहता है तो एक ईमानदार जो कंटेंट राइटर है या लिखने वाला, पढ़ने वाला जो भी है, उसके लिए भी कम से कम भारत सरकार के जो नियमावली है वो उनके लिए सुरक्षा कवच का काम करेंगे। और जो गलत तरीके से YouTube का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए निश्चित रूप से ये चेतावनी है, और जो सही रूप से काम करते हैं उनके लिए मुझे लगता है कि ये अपडेट YouTube का, भारत सरकार जो सोशल मीडिया में कुछ नियमों का में कड़ाई कर रही है उन्हें देखते हुए
मुझे लगता है ये अपडेट यूट्यूब का आया है, जिसका एक कंटेंट राइटर, एक चैनल क्रिएटर के रूप में मैं स्वागत करता हूँ। और यूट्यूब ने इसे बहुत सही तरीके से लिखा है। हमें देखना है कि इसे हमको आगे कैसे प्रोसीड करना है, किस ढंग से हमें भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय से लिंक करना है। और ये आवश्यक भी होना चाहिए, क्योंकि जिस देश में हम बोलते हैं उस देश की जो भी सोशल मीडिया की, साइबर की जो भी नियम कानून होते हैं, उनकी जानकारी भी होना आवश्यक है। और उनके आधार पर हमारी एक्टिविटी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर YouTube का ये अपडेट है, और YouTube के जितने भी कंटेंट राइटर हैं, जितने भी चैनल क्रिएटर हैं, उनके लिए मुझे लगता है सबकी मेल में ये संदेश गया है, और सबको इसे बहुत गंभीरता से लेना होगा। और जो लोग अक्सर कई बार YouTube पर गलत शिकायतें कर देते हैं, गलत रूप से किसी के चैनल पर चले जाते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं खुशखबरी है। और एक इसमें एक बात ये भी नज़र आ रही है कि YouTube शायद, मैं कन्फर्म तो नहीं हूँ, चैनल बंद करने या जो कुछ प्रक्रिया बंद हुई है उस पर भी वापस विचार कर रहा है, कि शायद कुछ चैनल अगर जिन्होंने अपील की है, हो सकता है, ये मेरी एक अंदेशा है, उस पर भी कोई पॉजिटिव कार्रवाई हो जाए, क्योंकि कई बार शिकायतें भी बड़ी गलत हो जाती है। तो YouTube के इस अपडेट का हम स्वागत करते हैं, और ये व्यूअर्स इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और सबको समझ में आना चाहिए जो कम से कम YouTube पर काम करते हैं। और मेरे जैसे लोगों के लिए तो मुझे ये लगता है ये खुशखबरी है कि भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय से वैसे भी हमारा नाम रजिस्टर्ड है एक पत्रकार के रूप में, और अगर YouTube के चैनल से भी अगर हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो हमें जो गाएं बाएं ऐसी धमकियां मिलती है उसमें हमारा भी एक सुरक्षा कवच अपने आप तैयार होता है, क्योंकि सत्य बोलने के लिए कई बार आपको बहुत कड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कई बार कई लोग आप पर आक्षेप झूठे लगाते हैं, कई बार लोग प्रताड़ित करते हैं, और भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय से अगर हमारा YouTube का चैनल भी लिंक हो जाए तो फिर दूध का दूध पानी का पानी सरकार और सरकार के कानून खुद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन पर दबा दीजिएगा।